मैंने कि मैं शाका को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। शाका, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। नहीं शाका, नहीं नहीं शाका, तुम मर नहीं सकता शाका। हाय कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे किसी की। इसका मंगेतर तो फौजी है। फौजी यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर आतंकवादियों ने एक गांव पर हमला कर दिया है। खबर है कि शाका अपने ग्रोह के साथ गोलियों की बौछार कर रहा है। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो तेरी टोली उठी जमाने को जला दूंगा मैं। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। वैसे राधिका, तुम शाका को जानती हो? मैं नहीं जानती थी। कौन? माँ, तू यहाँ क्यों आया बेटी? माँ, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। मुझे अब भी याद है तेरा बचपन अपने बाबूजी के साथ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। ओ नो, एक और कार्ड। शुक्र मना कि कोई तेरी जैसी सूरत वाले को इतने प्यार के पैगाम भेजती है। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, वो नहीं सकता। कॉलेज में सब हम पर हंस रहे हैं डैडी। ट्रिप में खुल्लम खुल्ला राधिका शाम के साथ घूम रही थी। ओहो, कौन है ये शाम? पुलिस ने किसी गलतफहमी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है सर। वो आतंकवादियों से मिले हुए नहीं है सर। इसके वास्ते निसार है मेरा मन। अगर अब किसी ने आवाज भी निकाली तो उसका सीना छलनी कर दूंगा। तुम तो ऐसे न थे। तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था। प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। मंजूर है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।